सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी बिग बॉस के घर में, तब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट दिख रही थी घर की। ऑल्सो आपने तभी पास के बारे में बात करना यू नो मंजूर नहीं किया कि आपको नहीं बात करनी है, बट वही आप बिग बॉस के घर में आपकी पास को रिकॉल कर रही थी, तो क्या कहना चाहोगे? मैंने शायद दो तीन जो यहाँ पे आप लोग से पहले पर्सनल वन टू वन इंटरव्यूज़ हुए, वहाँ पे मैंने पास्ट में बात करने के रीज़न्स दिखाए। बिग बॉस के प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बात करना वो एक कॉन्शियस डिसीजन था कि मुझे नहीं बात करनी थी। वो सडन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, हमको पता ही नहीं था कि मुझे खुद को नहीं बताया गया था। जैसे आप लोग ने बोल देखा होगा, मैं नाइट ड्रेस में ही आ गई थी विदाउट गेटिंग रेडी, और घर के अंदर पास्ट में एक 6 हफ्ता 1.5 महीना कोई इंसान रहता है 17 लोगों के साथ में, हर कोई अपनी पास्ट की बातें शेयर करता है। सो इट वॉज़ मोर ऑन अ लाइन्स ऑफ शेयरिंग। अगर मुझे कोई रिंकू जी पूछ रही है कि क्या हुआ, नील पूछ रहा है मुझे क्या हुआ, कैसे हुआ, तो ये एक स्टोरी और मेरे लाइफ लेसन्स एक्सपीरियंसेस शेयर करने का मुद्दा था। इट वॉज़ नथिंग टू अदर देन दैट। आपको लगता है कि आपको सब लोगों ने मिलकर कुछ लोगों ने मिलकर टारगेट किया है घर में, या फिर जहाँ जहाँ पे आपको वोकल होना चाहिए था वहाँ पे आपने इतना स्ट्रॉन्गली अपना पॉइंट रखा नहीं, इसलिए आज आप बाहर हैं, दोनों में से आपको क्या? मैंने मेरे पॉइंट्स तो जहाँ मुझे रखने चाहिए थे मैंने बहुत अच्छे से एकदम स्ट्रांगली रखे हैं। हाँ, मैंने दूसरों लोग के जैसे चिल्ला के नहीं रखे, मैंने झगड़े नहीं किए, कॉफ़ी के लिए झगड़ा चोरी नहीं किया, पराठे नहीं चोरी किया, शायद सबको वही पसंद है, उसी में TRP मिलती है, तो हाँ मैंने वो नहीं किया। बट जहाँ पे मुद्दे थे जेन्यून, जैसे मनारा और खानजादी के बीच में झगड़ा हुआ था, तब मैंने खानजादी के साथ मेरे कितने भी डिफरेंसेस रहे हो मैंने खानजादी की साइड ली थी, कितना बार दिखाया गया है वो मुझे नहीं मालूम। जहाँ मनारा गलत थी मैंने मनारा की साइड नहीं ली, तो वैसे काफ़ी मुद्दे थे। जहाँ अभिषेक ने ट्रिप किया अपना एंगर, तो उसको कंट्रोल करने में हेल्प किया मैंने और रिंकू जी ने, और जो जो मुद्दे लगे कि ये जेन्यून है और घर को बिग बॉस घर को इफेक्ट हो रहे हैं, वहाँ पे मैं खड़ी रही थी, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि तो जब ग्रेस पीरियड में आपका नाम लिया गया बहुत हर्ट हुई, स्पेशली अरुण से, और सबसे ज़्यादा आप ये कहते हुए नजर आए कि आपने उनके अंडरवेयर धोए हैं, उसके बाद भी उन्होंने ऐसा किया है, क्या आप कह सकते, क्या सही था वो करना, मेरा करना या अरुण का करना? अरुण का भी करना और आपका उनके लिए ये सब करना। एक घंटे के एपिसोड में या 24 आवर्स में आप लोग 24 घंटा तो एपिसोड देखते नहीं होंगे मेरे हिसाब से। एक चेन बनती है, मेरे को बुरा नावेद के लिए लगा था, जो मैंने स्पेसिफाई किया था किसी के साथ कन्वर्सेशन करते हुए कि इट्स नॉट अबाउट मी, इट्स अबाउट नावेद। मैंने देखा भी होगा कि मैंने सेल्फ नॉमिनेट किया था उस टाइम पे और नावेद को सेव किया था मैंने। सो नावेद के लिए सबको बुरा लगा था क्योंकि वो हमारे हिसाब से वो प्रोग्रेस कर रहा था, उसमें इवॉल्व बहुत आगे बढ़ गया था वो कंपैरेटिवली, बाकी लोग थे जो ग्रेस पीरियड में आना उनका जस्टिफाई हो सकता था। वो कंटेस्ट में मैंने बोला मैं अपसेट हुई थी और मुझे ऐसा गिल्ट फील था कहीं ना कहीं नावेद को लेके, जो मैंने उस दिन रात को भी क्लेरिफाई किया था। और जहाँ तक अरुण के क्लोथ्स जो धोने की बात थी, उसको आउट ऑफ प्रोपोर्शन लिया जा रहा है, मैंने कभी भी उसको एक आहा लग गया था। मनस्वी जिस दिन जा रही थी उसके बाद, वो एक साइड मनस्वी का टनल से बाहर निकलने का था और अभिषेक तहलका जी और अरुण दोनों में तीनों में फाइट हुई थी और अरुण ने अपना हाथ खुद ही फ्लोर पे गार्डन में वो किया था, तो उसको पूरा सूज गया था, उसको हमको सबको लगा ही था कि उसको हेयरलाइन फ्रैक्चर था जो 10 दिन तक चला। तो मेरी जो मैं ऐसी ही हूँ, मैं किसी को ना नहीं बोल सकती हूँ, तो वही गुड फेथ में मैंने बोला था अरुण जी कोई बात नहीं मैं आपको धो देती हूँ कपड़े, वॉशिंग मशीन थे नहीं, सब लोग अपने अपने कपड़े धोते थे और वो ज़्यादा पैम्पर्ड है वो, उनका कल पता परसों पता चला, तो वही रीज़न था कपड़े धोने का और मुझे नहीं लगता मैंने कुछ गलत किया और ना ही ये चीज़ का मैंने फ़ायदा उठाया है। अपने में इतनी इंसानियत होनी चाहिए सब में कि किसी के लिए स्टैंड एटलीस्ट हेल्प कर सके। उसके बाद ना कहीं कहीं कम दिखती TV पे, या बोल सकते हैं ये भी रीजन हो सकता है, या कम दिखाया गया आपको? कम दिखाया गया उसका तो मुझे नहीं मालूम कितना दिखाया गया, कल ही मैं बाहर, हाँ कल मैं बाहर निकली हूँ तो मैंने अब तक पास्ट के एपिसोड्स देखे नहीं है, तो मुझे नहीं मालूम क्या दिखाया गया। बट मैं कम दिख रही थी क्योंकि मेरी ऐसी पर्सनैलिटी है कि जैसे सना है
बाकी लोगों के जैसे खानजादी है, वो लोग नॉमिनेशन होने के बाद वो लोग बाहर आते हैं क्योंकि उनको दिखाना होता है ऑडियंस को कि हम में कुछ आ गया, फायर आ गया। मेरा ऐसा नहीं रहा है, आप लोगों ने जो भी नोटिस किया हो 40 दिन तक मेरा ग्राफ एक जैसा ही रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं फ्लिप फ्लॉप हुई, मेरा दिमाग सटका, मैं कुछ भी कर रही हूँ, किसी को गाली दे रही हूँ, किसी से झगड़ा कर रही हूँ, मैंने ऐसा नहीं किया। मैं बहुत डिग्निफाइड और ग्रेसफुली रही हूँ 40 दिन एंड आई एम प्राउड ऑफ दैट। नहीं, वो अपने गेम खेल रहे हैं, नहीं वो अपने गेम खेल रहे हैं एंड आई एम श्योर शी इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑल्सो एंड शी विल डू गुड। जितना जी कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा था कि जब भी आप अपने स्टैंड लेने की कोशिश कर रही थी और रिंकू जी वहाँ पे आपको रोक रही थी, इस बारे में क्या है कहना, क्योंकि कहीं ना कहीं रिंकू जी की वजह से आपकी गेम खराब हुई है? मुझे ऐसा नहीं लगता है, मैंने ये ध्यान से सोचा नहीं है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि वो स्टैंड मेरे को नहीं खेलने दे रही थी। कोई किसी को रोक नहीं सकता है, तो शायद शी नोज मी पर्सनली, काफ़ी 40 दिन से साथ रहे, एक बेड शेयर किया है, तो उनको मेरी पर्सनालिटी बहुत अच्छी तरीके से मालूम है कि मैं क्या बोल सकती हूँ, क्या नहीं बोलना चाहती हूँ, और मुझे नहीं लगता कि उनकी वजह से मेरी गेम इफेक्ट हुई। जिगना जी ये जानना चाहेंगे, ये जो अंडरगार्मेंट्स की जब बात हुई थी तभी आप बहुत ज़्यादा रो रही थी और आपने कहा कि आपको इस घर से जाना है, तो उस टाइम पे यू नो ऑडियंस कहीं ना कहीं ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि आपका जो पास था, आप जिस जहाँ पर थी इतने टाइम तक का और जो लोगों के बीच में थी, वो तो इससे ये घर से ज़्यादा वर्स लोग थे अंदर, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि आप इन्हें बेयर कर सकती थी? मुझे जाना ये हिसाब से मैंने वो रिएक्ट किया था कि मैं किसी बैक स्टेबर्स लोग के साथ नहीं रह सकती, ये मेरा पर्सनल, मेरी पर्सनल पर्सनालिटी है, चाहे मेरे पर्सनल रिलेशनशिप्स हो, बिग बॉस हो या कहीं पे भी हो, तो वो एक आपके साथ अगर कोई कुछ ऐसा करता है तो शायद सबको एक पॉइंट के लिए वो खटकता है, तो मैं जताना नहीं चाहती थी क्योंकि उस दिन रात को नील, ऐश्वर्या सब ने मुझे क्या कहा कि जिगना आपको ये स्टैंड लेना पड़ेगा, ये गलत किया है अरुण जी ने। मैंने तब भी बोला नहीं, मुझे इसका कुछ मुद्दा नहीं उठाना है। फिर नेक्स्ट डे जब तहलका जी आए तब मैंने ग्रेस पीरियड का रिपोर्ट कार्ड मेरा उनको बताया कि मैंने ये ग्रेस पीरियड में किया है, बाकी लोगों ने क्या किया है ग्रेस पीरियड में आप देख लो। तो मुझे नहीं ऐसा, कोई भी चीज़ होती है जहाँ आपका दिल किसी ने दुखाया हो और आपने सेल्फलेसली वो काम किया हो और हर्ट होता है, तो शायद मेरा वो ही रिएक्शन था। मुझे नहीं पता आपकी पेट में छुरा होगा, ऑब्वियसली होगा, और उन्होंने बोला भी कि टिट फॉर टेट था, जस्ट बिकॉज मैंने उसको नॉमिनेट किया उसने मुझे नॉमिनेट किया, उसने ये बोला है, वो खुद आए थे मेरे पास ये बोलने, और उन्होंने कल भी मुझे जब मैं निकल रही थी सॉरी बोला, वो रोए भी थे वो चीज़ को लेके, बट डैमेज ऑलरेडी डन हो गया था, सो आई कैन नॉट से मूव ऑन। आप कहीं ना कहीं जो आपकी गेम है हाउ ड्यूटीज में आप इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो गई थी, कहीं ना कहीं जो आपका गेम वो निखर के सामने नहीं आ पाया या फिर उतना दिख नहीं पाया जितना आप अपने साइड से एफर्ट्स लगा रही थी घर के अंदर, हो सकता है ऐसा, क्योंकि वही ड्यूटी में रहती थी, वही ड्यूटी रहा करती थी, तो ऑब्वियस है कि वहाँ पे किचन, बिग बॉस 17 का थीम मुझे लगता है किचन के इर्द गिर्द ही है, ज़्यादा कुछ अब तक टास्क हुए नहीं है, जो भी हुआ है राशन को लेके हुआ है, जो भी हमको अभी लिमिटेशंस बोलो वो किचन से रिलेटेड ही हुई है ज़्यादातर मुद्दे, कॉफ़ी चोरी करने से लेके अंडे चोरी करने से लेके दही चोरी करने के लिए, तो सब कुछ खाने के इर्द गिर्द ही चल रहा था, तो ऑब्वियसली आप वहाँ पे हो तो आप वही पॉइंट रेज करोगे, कुछ अलग नहीं कर सकते। से आपके साथ में जो हाउसमेट्स हैं उन लोगों ने कहीं ना कहीं उन चीज़ों का डिनायल किया जिसके बाद वो ज़्यादा लाइमलाइट में आ गए और आप उन सारी चीज़ों को बाकायदे फॉलो करती रहीं, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं लोगों ने नोटिस नहीं की, वो लोगों का प्रॉब्लम है, मैं कुछ नहीं कर सकती उसमें, लोगों को ज़्यादा पता है उनको कौन दिखना चाहिए और कौन नहीं दिखना चाहिए, शायद लोगों को ड्रामा करते हुए लोग ज़्यादा पसंद है, बट आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैंने अपनी डिग्निटी कहीं पे छोड़ी नहीं, और मैंने मेरे से जितना मैं डिग्निफाइड और ग्रेसफुली मेरी एज, मेरे एक्सपीरियंस, मैच्योरिटी, विजडम सबको साथ में लेके चली हूँ एंड आई एम प्राउड ऑफ दैट। जहाँ पर आपने बोला था
कि मैं फुटेज के लिए नंगा नाच नहीं कर सकती हूँ. तो सही बात है. तो डू यू थिंक कि जो बहुत ज्यादा मतलब दिक्कत आ रहे थे, जो बहुत ज्यादा फाइट में इन्वॉल्व हो रहे थे, क्या वो वैसे कर रहे थे? ऑडियंस को ज्यादा पता होना चाहिए. मैंने मेरा बोला कि मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ. मैंने किसी कंटेस्टेंट का नाम नहीं लिया था शायद. नहीं, आपने नाम नहीं लिया. मैंने सिर्फ मेरा बोला था. उनकी वो गेम की स्ट्रेटेजी है. मैं ऐसी खुद पर्सनैलिटी हूँ नहीं. बिग बॉस भी काफ़ी टाइम बोलते आ रहे थे कि लोग बहुत पिछली सीज़न देख दाख के आए हैं और वो लोग वही करना चाह रहे हैं, बट ये वैसा सीज़न नहीं है. जो भी करना है डंके की चोट पे करो. बट जिग्ना जी, वन मोर थिंग, जिसमें पहला सवाल किया था हम लोगों ने आपके लिए, जो पहले के मुद्दे हैं आपको, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के टाइम में जो आपसे बातचीत हुई थी और उस वक्त के बाद काफी आपको एज ए स्ट्रॉन्गर कंटेस्टेंट देखा गया था, उसके बाद से कहीं ना कहीं बार बार जो पास्ट के जो मुद्दे हैं उसको कुरेदने का ऐसा लोगों ने बोला कि बार बार उन्हीं सारी चीज़ों को रिपीटेडली कर रही हैं. लेकिन कहीं ना कहीं उसमें एक ऐसा भी एंगल देखने को मिला है कि लोगों का मानना था कि कहीं ना कहीं सिंपैथी कार्ड खेलने की कोशिश की जा रही है आपकी तरफ से उन मुद्दों को बार बार सामने लाके. मुझे ऐसा नहीं लगता है. 12 साल में मैंने कभी किसी से सिंपैथी ली नहीं है, तो ये प्लेटफॉर्म पे आके मुझे सिंपैथी की जरूरत नहीं थी. अच्छा जिग्ना जी, बिग बॉस ने आपकी इमेज क्लियर करने के लिए काफी वाइट वॉश किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्या आप उसका प्रॉपर उपयोग ले पाए? वो आप ऑडियंस को पूछना चाहिए. विक्की और सना साथ में बैठे हुए थे जहाँ दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था, और ये चीज हाईलाइट की सलमान खान ने भी, और एक जगह हमने देखा था कि आप विक्की को समझा रहे थे, आप और रिंकू जी, कि अंकिता को कैसे पैम्पर करना चाहिए, कैसे रखना चाहिए. बट आपको लगता है कि विक्की वैसे ही है जैसा हम सब देख पा रहे हैं, सना और उनके बीच में ऑन एंड ऑफ चलता रहता है नॉमिनेशन को लेके. बाकी कुछ है नहीं. सना बहुत इनसिक्योर है, उनको नॉमिनेशन के लिए डर है, उनको फियर है, इनसिक्योरिटी है, और विक्की भैया उसको लगता है बचा सकते हैं उसको चीज़ को लेके, तो वो कार्ड प्ले कर रही है. मुझे नहीं लगता गलत, इन द सेंस हर एक वाइफ को लगता है कि हस्बैंड अगर साथ में आया है तो इमोशनल उसको सपोर्ट करे, उसके साथ बैठे करे. और विक्की भैया बाकी मुद्दों में और बाकी लोगों ने में इतने उलझे हुए रहते हैं, तो उनको अंकिता जी के लिए टाइम नहीं मिलता है. वही शायद अंकिता जी की कंप्लेंट. एक्चुअली हम लोग भी शॉक थे, हमको किसी को नहीं मालूम था, क्योंकि उसके आजू बाजू कोई था नहीं वो टाइम पे. शायद मैं अंदर के रूम में, तो हम लोग भी एक दूसरे को पूछ रहे थे कि किसने क्या किया, और वो ही 10 मिनट के बाद मैं बाहर निकल गई थी. तो मुझे सच में जेन्युइनली कुछ ज्यादा पता नहीं. टॉप 5 में किसे देखते हैं आप? टॉप 5 में किसे देखते हैं? घर का मास्टर कौन लगता है आपको अब तक के जो आप घर में जो रह के आए हैं उसमें से? दिस इज जस्ट 7th वीक हैज स्टार्टेड, तो अभी टॉप 5 का बोलना बहुत मुश्किल है. बट हाँ, मुनव्वर आई थिंक ही इज़ अ राइट कैंडिडेट टू लिफ्ट द ट्रॉफी. थैंक यू सो मच. For top serials on sets to personal interviews and fun segments with actors, subscribe to Telebytes right away.